तो जब भी आपने बेन 23 को बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज के किसी भी एपिसोड में देखा होगा तो बेन 23 की हीरो वॉच के साथ आपने बेन 23 की हीरो वॉच जैसा ही एक लॉकेट भी उसके गले में देखा होगा और ये लॉकेट हूबहू बेन 23 की हीरो वॉच जैसा ही लगता है। अगर आपको नहीं पता कि हीरो वॉच क्या है तो वो बेन 23 की ओमनीट्रिक्स है। तो अब काफी सारे बेन 10 फैंस तो ये भी कहते हैं कि बेन 23 के पास दो दो ओमनीट्रिक्स हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि जो बेन 23 लॉकेट पहनता है वो क्या बेन 23 की दूसरी हीरो वॉच है या फिर वो कुछ और ही है। तो देखो, जो बेन 23 लॉकेट पहनता है वो एक्चुअली में बेन 23 की कोई दूसरी हीरो वॉच या फिर ओमनीट्रिक्स नहीं है और ना ही उसका क्रिएशन एजमत ने किया है। जब आपने सबसे पहले बेन 23 को बेन 10 ओमनीवर्स में देखा था, यानी कि स्टोर 23 एपिसोड में, तो आपने देखा होगा कि बेन 23 अपनी मर्चेंडाइज बनवाता है, यानी कि वो अपने जैसे कई सारे टॉयज बनवाता है और उन्हें सेल करता है। तो उन्हीं टॉयज में से बेन 23 का जो लॉकेट है वो भी एक तरह से टॉय ही है, जो कि बेन 23 को काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो हमेशा उस लॉकेट को अपने गले में पहन के रहता है। वो लॉकेट एक्चुअली में कोई भी काम की चीज नहीं है, वो ऐसे ही शो करने के लिए है, यानी कि वो एक आर्टिफिशियल लॉकेट है। और क्योंकि बेन 23 अपनी हीरो वॉच से काफी ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए उसने हीरो वॉच का लॉकेट बनवाया। तो हाँ, यही था इसका आंसर। तो अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हाँ, मैं जानता हूँ वीडियो काफी छोटी है, लेकिन सवाल छोटा होगा तो वीडियो भी छोटी होगी ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।